सिंपल ने देखो क्या ले लिया है, एक डॉल ले लिया छोटी सी, बहुत सो हेलो गुड मॉर्निंग हिमाचल ब्लॉग मस्ती में आप सभी लोग का स्वागत है। कैसे हो? आई होप आप सभी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी। तो अभी मैं आया हूँ शुगर की तरफ। तो आज है सुखदेव ऋषि जी का मेला, वहाँ पे जाग होती है, तो वहाँ जा रहे अभी हम। तो ये मेरा ड्रेस कोड, तो ये रही मेरी साड़ी एंड ये बिल्लो रानी अपने। व्यू है यहाँ का, मॉर्निंग व्यू, और सुबह सुबह यहाँ बारिश पड़ी। तो ये है डिम्पल, इसको तो आपने पहचाना ही होगा, इमरी गंगा वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो अपनी बिल्लो रानी बिल्कुल साफ लग रही है, आज बारिश पड़ी बिल्कुल सही। गाइस आप देख सकते हैं नाला जो है प्राचीर की तरफ से आ रहा है, शायद ऐसा लग रहा है पानी पानी हो गया। और रोड पे आप, रोड की हालत पूरा नाले से ख़राब कर दिया है इस रोड को। तो पानी देख सकते हैं आप कितना अच्छा बह रहा है वहाँ पे। रोड की हालत देख सकते हैं, तो पूरी तरह से रोड ना है ख़राब हो गया है पूरा। तो मतलब बाइक चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। गाइस ये रहा कुछ मॉर्निंग व्यू डिम्पल के घर के पास का। तो चारों साइड धुंध ही धुंध पड़ी है और ठंडा जैसा मौसम हो गया यहाँ पे। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, क्या देख सकते हैं कितना क्लासिकल व्यू आ रहा है यहाँ मॉर्निंग पे। धुंध छाई हुई है, पेड़ ही पेड़ है यहाँ पर। तो आगे देखना भी इस कैंची मोड़ से आगे कितना अच्छा व्यू आएगा। लोग भी जा रहे हैं यार ठट्टा मेले को। तो भाई ये आ गई शिवावदार बस, तो जा रही है अब मंडी। तो बारिश भी पड़ रही है ऊपर से। गाइस अभी हम पहुंच गए शिवा में। तो ये शिवा मार्केट, तो आपको मंदिर बताता हूँ मैं यहाँ। तो है माँ कांडिकासिनी माता का मंदिर। मार्केट सामने वाले, तो ये डिम्पल, तो ये डिम्पल की शॉप जी आप देख सकते हैं, गाना लगा है खतरनाक वाला। अभी हम सुबह से निकल गए हैं, तो बहुत टाइम लगाया डिम्पल है था इसको दुकान में। तो अभी निकले हम, 12 बज गए हैं, चलते हैं अब मंदिर की तरफ। तो गाइस अभी हम ऐसे प्लेस में रुक गए हैं जो कि प्राकृतिक के नीचे आता है पानी, तो ये वाला पानी जो है तो यहाँ वाटरफॉल है ऊपर जैसे। तो मतलब यहाँ से जाने को नहीं है, नहीं तो वाटरफॉल में जाएंगे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा पानी आ रहा है बाइक से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, एंड अब चलते हैं सुखदेव ऋषि के मंदिर में। तो गाइस अभी 1.5 किलोमीटर रह गया यहाँ से सुखदेव ऋषि का मंदिर। तो मतलब चढ़ाई है सीधी मंदिर मंदिर के लिए। तो रोड की हालत ना इतने ख़राब है कि क्या ही बताएं। तो व्यू देख सकते हैं आप, अल्टीमेट व्यू है यहाँ पे गाइस। गाइस अभी हम थट्टा पहुँच गए हैं, तो रही अपने बिलोरानी नीचे। तो अभी सुखदेव ऋषि के मंदिर जाके आते हैं, फिर जाते हैं मेले में। तो ये सीढ़ी सीढ़ी से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे है सुखदेव ऋषि का मंदिर। तो आप देख सकते हैं डस्टबिन कितना अच्छा रखा हुआ है यहाँ पे, और सुखदेव ऋषि की मेन गेट एंट्री है यहाँ से। तो पौड़ी अभी, तो कर लेते हैं प्रभु के दर्शन। तो इसकी आवाज़ भी नहीं आ रही ऐसी कुछ। तो ये पौड़ी देख सकते हैं कितनी सुंदर पौड़ियाँ हैं ऋषि का मंदिर। तो अभी हम अंदर जाएंगे। तो गाइस यहाँ व्यू देख सकते हैं आप, फाइनली है सुखदेव ऋषि जी का मंदिर। तो आप देख सकते हैं बनावट इसकी बहुत ही सुंदर चारों साइड से। तो गाइस अभी हम देवता के मंदिर से आ गए हैं। तो अभी जा रहे हम यहाँ से, थोड़ा नीचे होता है मेला देवता का, वो देवता वहाँ चले गए। तो अभी हम मंदिर में गए थे, वहाँ माता मथा टेका हमने। तो अब चलते हैं नीचे, और नीचे होती है पहाड़ी नाटी वगैरह और मेले वगैरह बहुत कुछ होता है वहाँ। तो नीचे चलते हैं अब। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है बोले बहुत। यहाँ पे जंगल में होता है यहाँ मेला, मतलब खतरनाक प्लेस है, आप देख सकते हैं नीचे।
पहुंच गए हैं मेले में। तो आप देख सकते हैं मेले की रौनक, ऐसे जंगल में है ये मेला, देख सकते हैं आप। मिक्की माउस भी लगा है। तो ऐसे पहाड़ों में मेले होते हैं तो अलग ही आनंद आ जाता है देखने का। तो चुनु मुनु खेल रहे हैं यहाँ सभी। जी मेन मेला सुखदेव ऋषि का यहाँ पे, और एक घर से परे वाले साइड पे होती है नाटी मेला, चूड़िया वगैरह बहुत सारी चीजें। तो मेले की रौनक अलग ही मजा है पहाड़ों में मेले का। तो आप भी आ सकते हैं सुखदेव ऋषि के मंदिर में। सिंपल ने देखो क्या ले लिया है, एक डॉल ले लिया छोटी सी, बहुत ही क्यूट डॉल है। पर अभी पार्टी डांस करने वाले नीचे जाएंगे, अभी इनको बुलावा देना पड़ता है। तब बाजे वाले गए थे इनको बुलावा देने। भाई पहाड़ों में अनोखा ही नजारा है, आओ कभी पहाड़ों में घूमने। बज गए अभी 2, तो आप भीड़ देख सकते हैं, मेला भी देख सकते हैं आप, भीड़ भड़ाका कितना है यहाँ पे। ये हमारे लिए चाट अभी तीखी जैसे रखना थोड़ा, और यहाँ नीचे लगा हुआ है मेला। तो गाइस अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया तो हम वापसी हो रहे हैं। तो अभी हम देवता के मंदिर में आए थे दोबारा दोस्तों के साथ है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो नीचे भी नाटी क्लोज हो गई है। तो देवता भी हम मंदिर मतलब अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ऐसा है कि बारिश आने वाली है तो यहाँ रोड थोड़ा ख़राब है, तो यहाँ से टाइम ले निकलना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं, तो अभी और भी आ रहे हैं पीछे से। तुम्हारे पास बाइक है, इनके पास गाड़ी है, तो इनको प्रॉब्लम होगी गाड़ी निकालने के लिए। बाइक तो निकल जाएगी यहाँ से। तो चलते अब नीचे, देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम है। मेले की क्लोजिंग आप देख सकते हैं, नीचे नाटी भी ख़त्म हो गई हो रही है, क्लोजिंग देवता जा रहे हैं अभी घर में। तो आप देख सकते हैं माँ कटासने जी।
अभी हम घर जा रहे हैं तो मेले से आगे वापस, तो अभी बाइक पर देख सकते हैं आप रोड कितना ख़राब है, तो हालत देख सकते हैं रोड की। और देवता भी चले गए मंदिर में, तो यहाँ नाइट प्रोग्राम होता है तो हमने नाइट प्रोग्राम ही देखना है। तो यहाँ बारिश पड़ेगी, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम निकल चुके हैं, तो रोड की हालत देख सकते हैं आप कितना खतरनाक है, ओवरलोड हो गया है गाड़ी को, तो फर्स्ट गियर में ले जानी पड़ रही है क्योंकि रोड इतना ख़तरनाक है। यहाँ एक बार बारिश पड़ गई यहाँ पर तो टायर स्लिप ही होएगा और कुछ नहीं होगा, कीचड़ ही कीचड़ है नीचे। गाइस अभी देवता है यहाँ पर, तो वहाँ मंदिर में जाके आते हैं। तो यहाँ है बस स्टैंड, ये देख सकते हैं आप, तो व्यू देख सकते हैं आप, ये पहाड़ी जो ऊपर से गिर चुकी थी तो ऊपर है मंदिर, वहाँ से आए हम नीचे को। तो ये यहाँ है बस स्टैंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। कहते हैं सुखदेव ऋषि जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। आगे जाने को जगह नहीं है, भीड़ है बहुत है। तो अभी आए मेले से, तो ये कुछ व्यू और कुछ घर है यहाँ, मतलब गांव जिसे बोला जाता है। गाइस फाइनली मेला हो ही गया, तो थक भी गया है, खाना पीना खाया वहाँ पकौड़े जलेबी वगैरह बहुत खाए वहाँ पे, अब थक गए हैं। तो मेरे को ये वाटरफॉल दिखा वहाँ पे, आप देख सकते हैं, फोटो शूट आउट कर लेते हैं, कितना अच्छा है। हाँ जी है, तो ये पानी जो है प्राचल से आ रहा है ऊपर से, यहाँ है ऊपर प्राचल। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, ब्लॉग में ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर, मतलब ब्लॉग डालता रहूँगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।